के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना साहिब गुरुद्वारे पहली बार पहुंचे और उन्होंने गुरु घर में मत्था टेका। बहुत खुशी की बात है कि 1947 के बाद आज़ादी के बाद में भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने सेवा काल में यहां पर आकर नतमस्तक हुए हैं। वैसे चार राष्ट्रपति यहां पर आकर नतमस्तक हो चुके हैं। MP रविशंकर जी ने उनका स्वागत किया, नंद किशोर जी ने किया, उसके बाद हम लोगों ने किया, अहदेदार जितने हैं तखत साहब के मेंबर साहबान हैं उन्होंने। और अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बीच में प्रधानमंत्री जी आज तखत श्री हरिमंदिर जी पटना साहब में आए, माथा टेका और उसके बाद में उन्होंने लंगर में गए। लंगर में उन्होंने अपने हाथ से जो प्रसादा फुलके जो रोटी जिसको कह दीजिए वो उन्होंने अपने हाथ से बेला। हमारे एक पंजाब से सुखी भाई साहब आए थे और एक हरनेक सिंह थे, इन्होंने पगड़ी राजभवन में जाके बांधी। हमेशा आते रहे, जीत कर आएंगे तब भी वो आएंगे। माता जी का और साहबजादों की माता गुजरी जी और साहबजादों की फोटो भेंट की हम लोगों ने। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना साहिब गुरुद्वारे पहली बार पहुंचे और उन्होंने गुरु घर में मत्था टेका। बताया जाता है कि गुरु घर में वो 5 बार नतमस्तक हुए और गुरु घर की पूरी परिक्रमा की। हमारे साथ यहाँ के जो प्रबंधक कमेटी के लोग बैठे हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरु घर में पहुँचे हैं तो उन्होंने क्या कुछ कहा और आगे के लिए क्या कुछ बताएं। बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं आए थे यहाँ पर और उन्होंने गुरु घर में मत्था टेका, इसको लेकर क्या कहते हैं? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बिहार की पवित्र धरती पटना साहब, 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म स्थान 1666 में इस स्थान पर हुआ। हमारे 3 गुरु साहबान इस धरती पर, पहले गुरु गुरु नानक देव जी पहले उदासी के टाइम 15वीं शताब्दी के शुरू में आए, 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी आए और 10वें गुरु का जन्म स्थान। ये इतनी पवित्र धरती कि जैसे हमारे लिए पाकिस्तान में ननकाना साहब पहले गुरु का जन्म स्थान पवित्र धरती, उसी तरह 10वां गुरु का जन्म स्थान एक ननकाना साहब पाकिस्तान में और दूसरा सिखों के लिए ननकाना साहब ये इंडिया में पटना साहब की धरती। और आज खुशी की बात है कि 1947 के बाद आज़ादी के बाद में भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने सेवा काल में यहाँ पर आकर नतमस्तक हुए हैं। वैसे 4 राष्ट्रपति यहाँ पर आकर नतमस्तक हो चुके हैं और ये ऐसा पवित्र स्थान है कि जो अपने शुभ मनोकामना लेकर यहाँ आता है उसकी मुरादें पूरी होती है। देश विदेश के और सभी धर्मों के लोग इस स्थान पर आते हैं और गुरु की खुशियाँ लेके जाते हैं। और अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बीच में प्रधानमंत्री जी आज तखत श्री हरिमंदिर जी पटना साहब में आए, माथा टेका और उसके बाद में उन्होंने लंगर में गए। लंगर में उन्होंने अपने हाथ से जो प्रसादा फुलके जो रोटी जिसको कह दीजिए वो उन्होंने अपने हाथ से बेला और संगत के बीच में उन्होंने अपना प्रसाद जो था वो भी बांटा, उन्होंने लंगर बांटा अपने हाथ से उन्होंने। और काफ़ी खुश थे प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आने के बाद में। और पटना की संगत और जो देश विदेश से संगत यहाँ पर दर्शन के लिए आए थे वो भी काफ़ी खुश हुए, उत्साह था और लोग बहुत खुश थे इनसे मिलने के बाद में। और उन्होंने भी संगत को हाथ जोड़ के अभिवादन किया और छोटे बच्चे भी थे आए हुए, बच्चों को उन्होंने लाड प्यार दुलार किया बच्चों के साथ में उन्होंने। और बहुत खुशी के साथ में वो यहाँ से गुरु की आशीर्वाद लेके गए हैं और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ में हैं और गुरु साहब कृपा कर और उनको इसी तरह गुरु साहब खुशियाँ देते रहें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे यहाँ पर, उनका किस तरह से स्वागत किया गया? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। देखिए, उनका जो स्वागत था कि जैसे वो आए तो उतरने के बाद पहले राज्यसभा अपने लोकसभा MP रविशंकर जी ने उनका स्वागत किया, नंद किशोर जी ने किया, उसके बाद हम लोगों ने किया, अहदेदार जितने हैं तखत साहब के मेंबर साहबान हैं उन्होंने किया, कुछ बच्चे थे उन्होंने स्वागत किया, लेडीज़ थी उन्होंने किया। फिर उसके बाद वो तखत साहब अंदर गए हैं माथा टेकने और माथा टेक के सिरोपा रुमाला साहब दिए हैं, प्रसाद चढ़ाया है, परिक्रमा करते हुए फिर वो अपना लंगर हॉल में गए हैं। तो आज का यही उनका कार्यक्रम था। किसी तरह का नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया आगे कि गुरु घर के लिए आने वाले जो शताब्दी समारोह मनाया जाएगा? देखिए, ऐसा है कि आज तो वो माथा टेकने आए थे, आज कोई ऐसा दिन नहीं था कि कोई पॉलिटिकल कोई प्रोग्राम था, आज तो वो खुद गुरु साहब से मांगने आए थे। तो आगे चल के जब इलेक्शन एक बार हो जाएंगे तब हम लोगों को बुलाया जाएगा, उन्होंने बोला है। और फिर वहाँ पर जो भी हमारे अभी पेंडिंग वर्क हैं या अधूरे काम हैं वो सारे किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आज पगड़ी पहने थे ऑरेंज कलर की, वो किसने भेंट की? वो
हमारे एक पंजाब से सुखी भाई साहब आए थे और एक हरनेक सिंह थे, इन्होंने पगड़ी राजभवन में जाके बांधी थी। उसके बाद प्रधानमंत्री भी यहाँ से चले गए। हाँ, यहाँ उनका करीबन 25 मिनट यहाँ प्रोग्राम रहा, उसके बाद उनका यहाँ से फिर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए हैं। हमारे साथ देखिए और भी हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि प्रधानमंत्री आने में जो है कितनी खुशी है इनके बीच और क्या सोचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज पहली बार हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, आज तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के जन्म स्थली पे आके माथा टेका उन्होंने और गुरु साहब का आशीर्वाद लिया। उन्होंने लंगर में सेवा की और लंगर शखा भी। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐतिहासिक दिन होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा मैसेज है, वो मैसेज भाईचारा का है और ये मैसेज पूरे वर्ल्ड में जाना चाहिए कि जिस तरीके का हमारे पीएम साहब का विजन है कि सबको मिल के चलना है, तो ये एक भाईचारे का मैसेज है। और मुझे आज बहुत ही खुशी हुई, मुझे मौका मिला, आज सुबह मैंने उनकी पगड़ी भी इको पार्क में बांधने का अवसर मिला। बहुत ही खुशी, उत्सव का माहौल है। पहली बार प्रधानमंत्री जी जो आए, पहली बार कोई भी हिंदुस्तान में सिटिंग प्राइम मिनिस्टर आए। मेरा नाम हरनेक सिंह सोही है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में है आज, दिल प्रसन्न है। तो देखा आपने कि इन्होंने ही प्रधानमंत्री के जो सर पे पगड़ी थी ऑरेंज कलर की, इन्होंने ही बांधा था। और सिखों में कहें तो काफ़ी खुशी का लहर है। प्रधानमंत्री हालांकि पहली बार पटना साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेके हैं, उन्होंने गुरुघर में पहुंचकर जो है उन्होंने रोटियां बेली और जो है कई तरह के जो है उन्होंने सेवा दिया यहाँ पर पहुंचकर। आप बता दें कि हमारे साथ एक और हैं जो गुरुघर में लगातार सेवा देते आए हैं, हम इनसे भी बात करेंगे, जानेंगे किस तरह से देखते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना साहिब पहली बार पहुँचे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि देश के पहले प्रधानमंत्री आज़ादी के बाद माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहब दशमेश पिता गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह जी की जन्म पावन स्थल पर मत्था टेक उन्होंने गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री करतारपुर साहब का कॉरिडोर, आज़ादी के बाद जो सिख श्रद्धालु थे वो दूरबीन से श्री करतारपुर साहब का दर्शन करते थे, पर आज वो वह श्री करतारपुर साहब कॉरिडोर से जाकर उन गुरुधामों में वहाँ पर दर्शन करते हैं। श्री हेमकुट साहब जी का रोपे है और श्री गुरु तेग बहादुर साहब का 400 साला प्रकाश पर्व उस स्थान पे मनाया, उस लाल किले पे मनवाया जहाँ पे उनकी शहादत का फतवा जारी किया गया था। तो सो सिख धर्म के बहुत से ऐसे कार्य हैं और एक तो सबसे बड़ा कार्य जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वीर बाल दिवस, हमारे जो छोटे साहबजादों का इतिहास जो किसी भी सरकार ने किसी को भी नहीं बताया, आज उस पूरे देश और विदेश में उनका इतिहास, उनकी शहादत का इतिहास बताया जाता है। सो पूरे पटना साहिब की सिख संगत काफ़ी खुश है और पीएम सर के आने से उन्होंने जो यहाँ अरदास की है, हम चाह रहे हैं कि वो तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनकर भारत देश का नेतृत्व करें और उनके नेतृत्व में जो भारत है उन्नति की ओर अग्रसर हो। और 2047 में जिस प्रकार से उन्होंने यह कहा है कि हम विकसित देशों में आएंगे, सो हम भी इसकी अरदास करते हैं कि पीएम सर का जो ये सपना है, भारत का ये जो पूरा सपना है वो पूरा हो। सो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ वो चलते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, हम बता नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। जी जी, हमेशा आते रहे, जीत कर आएंगे तब भी वो आएंगे, तभी उनको आना ही है। बहुत उनको माता उनको फोटो भेंट किए हैं हम लोग, माता गुजरी जी और साहबजादों की फोटो भेंट किए हैं हम लोगों ने, और हम चाहते हैं जैसे वो आज आए हैं ऐसे जीत के बाद भी आए। कितनी खुशी की लहर है सिखों समाज में और वो प्रधानमंत्री को जो है आशीर्वाद दे रहे हैं कि उन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचे, उनमें काफ़ी जो है खुशियों का उनमें लहर है और देखने को मिल रहा है पटना साहिब
गुरुद्वारा पहुँचे थे तो उन्हें स्वरूपा भी दिया गया और उन्हें गुजरी माता और साहबजादे की तस्वीर भी भेंट कराई गई, तलवार भी उन्हें एक जो है भेंट किया गया। तो हमने आपको पूरी तस्वीर जो है गुरुद्वारे की दिखाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से आए, लोगों में कितना उत्साह था, यहाँ की जनता को भी कितना उत्साह था, हमने पूरी आपको तस्वीरें दिखाई। NBC 24 के लिए पटना सिटी से अनिल कुमार की रिपोर्ट।